से आप सब आई होप सब अच्छे होंगे, सब मज़े में होंगे। और अभ्यांश को अभी बहन स्कूल के लिए छोड़ के आई हूँ, और मेरा कि वही गर्म पानी एक गिलास सुबह उठते से पी लिया था, अभी फिर से ले रही हूँ एक गिलास। और योगा तो मैंने छोड़ ही दिया है, बीच में अच्छा खासा योगा करने लग गई थी और अभी छोड़ दिया। तो सोच रही हूँ आजकल वही आजकल चल रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ट्राई करूँगी एक दो दिन में करने की। और अभी पापा जा रहे हैं बाहर, उनके लिए नाश्ता वास्ता बनाना है, देखते हैं क्या बनाऊंगी आज नाश्ते में। तो चलिए बनाते हैं नाश्ता। और अब सोचते होंगे सुबह सुबह मेरा सुबह उठते से ही नाश्ते का चालू हो जाता है, मैं 7 बजे किचन में घुसती हूँ अभ्यांश के लिए, और फिर एक फिर सीधा डायरेक्ट 11:30 बजे निकलती हूँ किचन से, सारा काम करके नाश्ता वास्ता बना के टिफिन विफिन बना के किचन साफ करके, और उसके बाद में हम लोगों का खाना बचता है वो हम लोग दोपहर में 2 बजे या 3 बजे जब भी खाए तब खाते हैं। उसके बाद में झाड़ू पोछा डस्टिंग यही चलती रहती है हम लोगों की इसके लिए। तो पूरा दिन कब निकल जाता सर के ऊपर से पता भी नहीं चलता। अभी तो वेट कर रही हूँ अभी उसकी छुट्टियाँ हुए कब गाँव जाऊँ, गाँव में और ज़्यादा अच्छा लगता है। उनकी छुट्टी होती है मई में, जून में नहीं होती, मई में हो जाएगी। अभी एग्जाम चालू कर दी उनके। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ पे कट कर रही हूँ मैं पालक मेथी धनिया जो भी आपके पास में हरे पत्ती की जो भी सब्जी रहे, बथुआ और एक वो रेड रेड कलर का एक और भी सब्जी आती है, पता नहीं उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक वो तो जो भी हरी सब्जी रहे हमारे पास वो सारी काट पीट लेनी है। तो अभी मौसम अच्छा है, ठंडी का है, तो हरी 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 सब्जियाँ बहुत ज़्यादा आ रखी है, अच्छी भी आ रखी है, जैसे पालक हुई, मेथी हुई, धरा धनिया हुआ, तो इसी का ही कुछ अच्छा सा नाश्ता बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेथी कट कर ली है, पहले उसके पत्ते निकाल लिए थे और अभी मेथी कट कर ली है बारीक, और साथ के साथ बना ले रही हूँ मैं चाय। मम्मी और इनको चाय पीनी है, अभी उठे हैं और नहाएंगे धोएंगे तब तक मेरा नाश्ता भी रेडी हो जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी कट कर लेते हैं सारी सब्जियाँ। तो इसमें मैंने मेथी और ये सब कट कर ले रही हूँ मैं बारीक बारीक, मेथी कट हो चुकी है। तो चलिए जल्दी जल्दी पालक और कट कर लेते हैं छोटी छोटी, मतलब बारीक। पालक मेथी कट हो चुकी है और अभी मैं कट कर ले रही हूँ धनिया। और ये लीजिए ये सब्जियाँ कट करते करते बन गई है मेरी चाय भी, तो मैं दे देती हूँ लोगों की चाय, इन लोगों को चाय, चाय का टाइम हो रखा है। ये तीसरी चौथी चाय बनाई है अभी मैंने, सुबह मम्मी पापा के लिए बनाई थी अभी इनके लिए बनाई है। और सब्जियाँ काट पीट के कर दी है मैंने रेडी, और ये इसमें एक बाउल में डाल ले रही हूँ मैं ये सारी सब्जियाँ, मेथी पालक और ये जो था हरा धनिया, ये तीनों चीज़ों मिक्स कर लेनी है। और साथ के साथ इसमें है ना ये डाल लेनी है 2 या 3 हरी मिर्ची, आपको तीखा कितना चाहिए उसके हिसाब से आप डाल दे हो डाल सकते हो। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 हरी मिर्ची। और चलिए इसमें ऐड कर लेते हैं अभी मसाले। मसाले नॉर्मल रहेंगे जो अपने किचन में ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं। तो इसमें मैं सिर्फ डालूँगी धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा, नमक और लाल मिर्ची पाउडर क्योंकि थोड़ी डालनी है, मैंने वो डाल दी थी पहले हरी मिर्ची 2 कट करके, और थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी। इसके सिवाय हम इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालेंगे, थोड़ा सा हेल्दी नाश्ता रखेंगे। तो थोड़ी सी हल्दी डाली थी, थोड़ा सा धनिया मेरे को लगा थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा और डाल दिया है। और साथ के साथ इसमें है ना डाल देंगे चावल का आटा क्रिस्पीपन लाने के लिए। और चावल का आटा ये परात में इसलिए क्योंकि मैंने पीसे थे चावल और उसको छान लिया था। और यहाँ इसमें ऐड कर देना है बेसन। बेसन आपको दे मालूम चल जाएगा कितना क्या डालना है, डालोगे तभी। और ये मैंने थोड़ी सी इमली भे के रख दी है ताकि इसमें थोड़ा सा खट्टापन आ जाए, क्योंकि इसमें अमचूर वगैरह तो मैंने कुछ डाला नहीं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है सारे बैटर को, और इसमें ना पहले पानी नहीं डालना है क्योंकि ये सारी सब्जियां गीली भी थी और साथ के साथ इनमें मॉइस्चर भी होता है। तो पहले सारा अच्छे से डाल के देख लेना है कितना क्या आटा गिरेगा, और पानी नहीं डालना है इसमें, बहुत कम पानी डलेगा, ज़्यादा पानी भी नहीं डलेगा। अगर आपकी सब्जियाँ सूखी है तो इसमें थोड़ा बहुत पानी डलेगा, वो भी आप इमली का पानी डालें थोड़ा, ताकि अच्छे से खट्टापन आए इसमें। तो मैंने थोड़ा ये और भी डाल दिया है बेसन क्योंकि मेरे को ये थोड़ा वो लग रहा था। और इसमें ना थोड़ा सा इमली का पानी डालने के बाद में बेसन थोड़ा सा ज़्यादा गिरेगा। और अभी इसमें ऐड कर दे रही हूँ मैं ये थोड़ा सा इमली का पानी ताकि थोड़ा सा हल्का सा इसमें खट्टापन आ जाए। इमली का पानी डालने के बाद में मेरे को बेसन तो और डालना पड़ा है क्योंकि ज़्यादा गीला हो गया था, क्योंकि मॉइस्चर होने की वजह से पहले नॉर्मल था ये,
इमली का पानी डालने के बाद में ज़्यादा गीला हो गया था, तो मैंने थोड़ा इसमें बेसन और ऐड करना पड़ा मेरे को। और इसको ना आपको टाइट ही डो रखना, ज़्यादा वो गीला नहीं रखना। मेरा हल्का सा गीला हो गया था क्योंकि सब्ज़ियाँ मैंने ताज़ा ताज़ा धोई थी, तो उनके अंदर भी पानी रह गया था अच्छा खासा। तो इसका डो टाइट ही रहेगा हल्का सा। चलिए डो बन के हो गया रेडी, और अभी इसको कर ले रहे हैं स्टीम की तैयारी। तो पहले आपको हल्का सा ऑयल लगा लेना है हाथों पे, और ये जो छलनी है ना इसके ऊपर रख के मैं स्टीम करवा रही हूँ इसको। तो ये मैंने इडली वाला कुकर ही ले लिया है स्टीम करवाने के लिए, तो इसमें अच्छे से ऑयल लगा के रख दे रही हूँ इसके ऊपर। और हाथों पे भी अच्छे से ऑयल लगा लेना है, और हाथों के ऊपर अच्छे से ऑयल लगाने के बाद में हमने जो आटा लिया है इसको ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और एकदम से पतला भी नहीं रखना है। इसको एक अपन पतला लंबा लंबा सा ऐसे हाथ से रोल कर लेना है आटे का, ना पतला तो ना मोटा, मीडियम सी साइज़ का रोल बना लेना है इसका हाथों से, और इसको रख देना है स्टीमर के अंदर। और इनको कुछ ऐसा बना के रख लेना है अपने स्टीमर के अंदर, और उसको ऊपर से लेना है ढक, कोई भी बर्तन हो, कढ़ाई हो, कुछ भी चलेगा, उसको अच्छे से ढक देना। और ये मेरे कुकर का ढक्कन है ना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है, इसलिए बरोबर नहीं आ रहा है इसके ऊपर, जगह बची हुई है। नाश्ता तैयार हो रहा है, ये स्टीम हो रहे हैं, तब तक कुर्सी की पेटी बांध देते हैं। तो जब तक मेरा नाश्ता बन रहा है तब तक मैं कर ले रही हूँ बर्तन साफ़। कुर्सी के पेटी बांधने का मतलब बर्तन साफ़ करने के लिए रेडी हो जाना, क्योंकि मैं अपने ज़्यादातर बर्तन साफ़ करते टाइम ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा आगे झुक के साफ़ करना पड़ता है, उसकी वजह से कपड़े गीले हो जाते हैं। तो जब तक नाश्ता बनेगा स्टीम होएंगे, उसमें उनको स्टीम होने में कम से कम 20 मिनट तो लग जाती है। 20 मिनट में एकदम से अच्छे से स्टीम हो जाते हैं, तब तक हम और काम भी आराम से कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं सोचा तब तक कर लेती हूँ मेरे बर्तन साफ़। और सारे बर्तनों को साबुन लगाने के बाद में, सारे बर्तन निकालने के बाद में, मैं एक बार चौकड़ी भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ धोने से पहले, क्योंकि इसमें झूठे बर्तन रखते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता। तो इसके लिए पहले बर्तन सारे साबुन लगा के बाहर निकाल देती हूँ, फिर पूरी चौकड़ी साबुन से अच्छे से धो के फिर उसमें बर्तन धोने के लिए रखती हूँ। देखिए ये बंगलो बन रहा है इधर, और कल ये 2-3 दिन हो गए लोगों को लगे, वो आधा जाल तोड़ा है इन्होंने, छत का राज इस साइड लगेंगे, पूरा दिन ड्रिल चलती है इन लोगों की, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जीना अगर बोलते हैं वैसे जीना हराम कर रखा है। तो ये लीजिए मेरे हो गए, ये पात्रे जैसे ही बोल सकते हैं इनको, वेजिटेबल रोल भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दो आप इनको। तो ये स्टीम होके रेडी हो गया मेरा नाश्ता, और साथ के साथ मैं कर दे रही हूँ दूध गर्म। अभी अंश का और कान्हा जी का भी निकाल दिया है, तो सुबह दूध आता है अभियान का, तो उसमें से कान्हा जी के भोग के लिए निकाल देती हूँ। और ये ना मैंने इसके ऊपर कपड़ा लगा दिया था, क्योंकि इसमें से साइड में से पूरी भाप निकल जा रही थी, तो बराबर से स्टीम नहीं होंगे, इसके लिए मैंने बाहर से कपड़ा बांध दिया था इसको कुकर के। और ये मेरे पक्के हो चुके हैं रेडी, तो इनका पता तो 20 मिनट में कन्फर्म है कि ये पक जाते हैं, लेकिन ये फिर भी एक बार चक्कू से चेक कर लेते हैं, चक्कू डाल सेंटर में डाल के, कि अगर इसके अंदर से चक्कू अच्छे से साफ़ निकल आता है इसका मतलब ये पक गए। तो मैंने सारे चेक किए एक नहीं, क्योंकि कोई मोटा है कोई पतला है, हल्का सा फ़र्क है सब में। और ये नाश्ता रेडी होने के बाद में मैं ले रही हूँ पैन में थोड़ा सा तेल, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब 1 इंच जितना तेल लेना, ज़्यादा आपको ऑयल नहीं लेना। इनको एकदम से डीप फ्राई नहीं करना, हल्का हल्का फ्राई कर लेना है। तो इनको पतले पतले कट कर ले रही हूँ सबको, और बहुत ज़्यादा गर्म है तो हाथ भी जल रहे हैं इनसे, तो इनको एकदम से पतला पतला, ज़्यादा पतला भी नहीं ज़्यादा मोटा भी नहीं कट कर लेना है, और फिर इनको हल्का हल्का फ्राई कर लेना है सबको।
और इनको ना ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने इनको स्टीम करवाया था उस टाइम ये अच्छे से पक चुके थे, तो इनको बस हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो इसमें और भी कम ऑयल डाल के हम फ्राई कर सकते हैं जैसे पातरे करते हैं। ये पक तो गए हैं बिल्कुल, तो इनको थोड़ा सा क्रंची टेस्ट देने के लिए मैं इनको फ्राई कर ले रही हूँ हल्का हल्का। और इनको थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर ले रही हूँ, तो ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं करना है इनको, हल्का हल्का फ्राई करो और निकालो। और इनको दोनों साइड से अच्छे से घुमा घुमा के फ्राई कर लेना है, थोड़े से इनमें इनका कलर चेंज हो जाना है। और यहाँ पे मेरे को ना अभी तक भी इन लोगों ने पेपर नहीं लगे थे, तो मैं वो कभी तो न्यूज़पेपर यूज़ करती हूँ, कभी ये दूसरे के भरोसे काम छोड़ देते हैं, तब तक अटका ही रहता है जब तक खुद नहीं करें। हम बना रहे हैं और मेरी आवाज़ में बहुत डिस्टर्बेंस है क्योंकि बर्फ की वजह से शांति नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं ये लोग कहाँ से आते हैं? और ये लोग फिर से चालू हो गए, सुबह सुबह पूरा दिन ऐसे चलेंगे, अभी शाम को 7 बजे तक जीना हराम गलत है। अभी हम बोलते हैं इनके लिए सुना, जीना हराम गलत है इन लोगों ने। क्या बात है, आज तो ताज़ा ताज़ा इधर ही आई है? पहले इधर ही आई हूँ। पहले इधर ही आई हो? क्योंकि दो घर नीचे वाला था ना। कौन? तो गांव गए है, कोई शादी में गए है उधर। अच्छा अच्छा, स्ट्रॉबेरी पूना भेजने के लिए, ताज़ा है ना, तो पूना भी भेज देंगे 1 किलो। अच्छी, और मैंने आपको बताया था स्ट्रॉबेरी वाली भाभी 2 दिन छोड़ के 1 दिन छोड़ के 1 दिन ऐसा आती है, तो इन्हीं से स्ट्रॉबेरी लेते हैं, अच्छी आती है इनकी ताज़ा ताज़ा। और मम्मी ने 2 किलो लिए, 1 किलो पूना भेजने के लिए और 1 किलो यहाँ के लिए। चलिए फ्रेंड, नाश्ता बन के रेडी हो चुका है, दूध भी गर्म कर दिया तो मैंने साथ के साथ अभियांश का, और लगा लेते हैं प्लेट। और चटनी बन के भी रेडी हो चुकी है, पुदीने की चटनी बनाई है इसमें। और ये हो गया हमारा टेस्टी टेस्टी गर्मा गर्म हेल्दी नाश्ता, आज ही आप लोग भी खाने। और चलिए फ्रेंड्स, यहीं पे मैं वीडियो को करती हूँ एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आज ये नाश्ता करने हैं।